नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक मिश्रा। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये पार्ट 1 है और आप इसी तरह और भी पार्ट्स देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो है पायथन। पायथन बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है और इसको हम फ्यूचर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि आज के समय में अगर एक डेटा देखा जाए तो पायथन मेन कोडिंग लैंग्वेज है और इसको 80% से ज़्यादा डेवलपर्स आज के समय में यूज कर रहे हैं। कहाँ यूज कर रहे हैं? ये गेम्स बनाने में, बाकी ऐप्स बनाने में, वेबसाइट्स को बनाने में, बैकएंड प्रोसेस जो वेबसाइट्स की होती हैं उनको करने में हम पायथन का यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में इनकी इतनी लाइब्रेरीज हैं कि वो पायथन को ऐसा फैसिलिटी देती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग के प्रोसेस में भी इनको यूज हम कर सकते हैं। करंटली ये बहुत ही ट्रेंडिंग और जो है किंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जा रहा है। तो अगर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीखते हैं या समझते हैं, टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पायथन, इसको अगर आप सीखते हैं, इसीलिए हमने इसको पायथन फर्स्ट पे रखा है, क्योंकि पायथन आज के समय में मार्केट वैल्यू बहुत ही हाई लेकर चल रहा है। 2022 में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं प्रोग्रामिंग के फील्ड में तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हाथ आजमाना आपको बिल्कुल चाहिए। इनके फीचर्स क्या क्या हैं? इनके फीचर्स ये हैं कि ये लर्न एंड इजी टू कोड, कोडिंग में भी बड़े आसान है, ये लर्न भी हम आसानी से कर सकते हैं। इनके जो फ्रेमवर्क्स हैं वो प्लेथोरा एप्लीकेशंस को भी फॉलो करते हैं, को भी सपोर्ट करते हैं। इसमें हमें कुछ लाइब्रेरीज जो सी की हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होके हमें मिल जाती हैं, जैसे सी पायथन हो गया, जायथन हो गया आदि। ये GUI सपोर्ट भी करता है कंपनी जैसे इंटेल, फेसबुक, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स आदि, ऐसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियाँ इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करती हैं। फिर हम बात करते हैं जावा की, जो कि बहुत ही सिंपल तो ना कहें बट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी खासी अच्छी है, इसकी भी स्पीड बहुत ही अच्छी होती है। ये जो है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड एप्लीकेशन और अन्य जगह पे भी अच्छी तरीके से यूज किया जा रहा है। आज के समय में अगर जावा डेवलपर्स की बात करें तो ये बहुत ही हाई डिमांड पर हैं और इसमें अगर आप अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। इनके फीचर्स क्या क्या हैं? ये ऊप्स को फॉलो करते हैं। ऊप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आपने कभी सी देखा होगा तो सी में हम कोई चीज़ को प्रोसीजर की तरह यूज करते हैं, मतलब वहाँ प्रोसेस बाय प्रोसेस किसी चीज़ को रन कराते हैं। लेकिन अगर हम जावा की बात करें या C++ की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हैं, जो एक पार्टिकुलर समय पर ही कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, उसको रन कराते हैं। फिर हम बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, प्रोडक्टिविटी, ये सब भी बहुत ही अच्छी होती है और ये सिक्योर लैंग्वेज है। ये जो भी कंपनियाँ यूज करती हैं जैसे अमेजोन, एडोब, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, ये तो जो तीसरा हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें किसी भी साइट पर जो है पॉपअप दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अगर सर्वे की बात करें तो 97% वेबसाइट्स जावास्क्रिप्ट्स को यूज कर रही हैं क्लाइंट साइड पर, क्योंकि ये भले ही लॉजिकल है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ना होकर ये एक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंस है किसी अन्य वीडियो में हम समझेंगे, यहाँ हम बात करते हैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड है तो क्लाइंट साइड होकर भी ये जो है लॉजिकल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये 90% वेबसाइट्स इसको यूज करते हैं। इनके फीचर्स क्या क्या हैं? इनकी फीचर्स ये है कि ये लर्न करने में बहुत आसान है और ये हाईली डिमांड पर है। बाकी अगर बात करें तो ये अधिकतर ब्राउजर्स इनको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इन पे वर्क कर सकते हैं। जो भी टॉप कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर, पेपल, गूगल जैसी कंपनी इस जावास्क्रिप्ट को यूज कर रही है तो खासी इसमें फैसिलिटीज होंगी। अगर इसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पार्टिकुलरली एक जो है इस लैंग्वेज पर नहीं आप, लेकिन अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखते हैं तो जावास्क्रिप्ट वहाँ पर अगर कमांड आपके पास है तो आप
इससे बहुत ही बेनिफिट्स होगा। फिर हम बात करते हैं कॉटलिन की। कॉटलिन क्या है? जैसे जावा है वैसे कॉटलिन है। जावा भी एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यूज होता है और साथ ही साथ कॉटलिन भी हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट में अधिकतर यूज करते हैं। अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट में हम ऐप्स बनाते हैं तो एंड्रॉयड डेवलपर्स जो 60% एंड्रॉयड डेवलपर्स आज के समय में हैं वो कॉटलिन को यूज करते हैं। कॉटलिन और जावा स्क्रिप्ट समान समान है बट जो है दोनों का यूज कहाँ करते हैं? एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, इसीलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ऐप्स बनाने में। फिर कौन साइज इसकी कोडिंग होती है और ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्करेंस होता है। इसमें सिक्योरिटी बहुत ही गजब की होती है। साथ ही ये 20% हमारे कोड को लिखना जावा से कम कर देता है, इसलिए हम जावा को जब सीख लेते हैं उसको एडवांस करने के लिए हम उसके साथ कॉटलिन का भी यूज करने लगते हैं। ये 100% इंटरऑपरेबल है, मतलब इसको कहीं से भी आप जो है ऑपरेट कर सकते हैं, इस लैंग्वेज को कहीं भी आप रन करा सकते हैं। कंपनियां जैसे हो गई पिंट्रेस्ट, ऊबर, ट्रेलो, अमेजोन, इन कंपनियों ने इस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, इस पर काम कर रही हैं। फिर हम बात करते हैं आर। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट इसका जो काम है वो बहुत ही बड़ा है। ये स्टैटिक्स और ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे हम डेटा माइनर्स, डेटा एनालिस्ट जैसी चीज़ों में इनका यूज करते हैं। डेटा एनालिसिस फाइनेंशियल डोमेन्स, टेलीकॉम सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा इनका यूज हो रहा है आज के समय में। ये भी रूल्स को फॉलो करते हैं और ये हाईली एक्सटेंसिव होते हैं। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक हिसाब से अगर हम समझना चाहें तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं जहाँ ढेर सारे डेटा की बात आए वहाँ पे हमारा आर काम आएगा। ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, गूगल जैसी कंपनियाँ, लिंक्डइन जो हैं, ये सारी इनको यूज कर रही हैं आज के समय में। हमारा जो छठवां है वो है PHP। PHP क्या है? एक जो है जनरल पर्पज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि सर्वर साइड पर यूज करती है। इस पे हम जो है काम जब करते हैं तो वो हमारे जितने भी वर्क्स होते हैं वो सर्वर पर यूज करते हैं, मतलब क्लाइंट को इससे कोई मतलब नहीं है। एक ऐसा लैंग्वेज है जो सर्वर पे काम करवाता है और वहाँ से क्लाइंट जो भी रिजल्ट है वो क्लाइंट को HTML और JavaScript के थ्रू दिखता है। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि PHP, JavaScript और HTML ये तीनों एक साथ जब काम करते हैं तो नीचे आपको दिख रहा होगा वेब डेवलपमेंट जो कि साथ में फुल स्टैक भी लगा हुआ है, तो इस पर काम करते हैं, मतलब आप एक अच्छी खासी वेबसाइट यहाँ से बना सकते हैं अगर इन तीनों लैंग्वेज को आप अच्छी तरह यूज करते हैं तो। ये इजी लर्न होते हैं और सिंपल होते हैं, मतलब इनको आसानी से हम सीख सकते हैं और सिंपल होते हैं। ये अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बजाय बहुत ही फास्ट होते हैं। इनमें जो है अटैक्स, थ्रेट्स का भी कोई झंझट नहीं रहता, ये सिक्योर होते हैं। जैसी कंपनियां जैसे फेसबुक, याहू एंड विकिपीडिया जो है आज PHP पर ही चल रही हैं। फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बड़ा ही सुंदर सा है, इसका जो है जो को रेड की तरह मुंह बना हुआ है, इसका काम है गो। क्या है? इसका जो काम है वो गो है, मतलब रन कराना, इसका काम भी जो है वो गो है, रन कराना। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आज के समय में विशेष कर जो लोग नहीं जानते हैं, जो बहुत ही डीप में प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या अधिकतर लैंग्वेज को जावा, पाइथन, ये सब कुछ सीख चुके हैं, वो इस पे जो है फोकस करते हैं। बट आज के समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खासकर डेटा साइंस पर वर्क कर रहे हैं वो इस लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो जो कंपनियाँ गूगल हैं, BBC हैं, मीडियम हैं, ऊबर हैं और बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं इस पर काम कर रही हैं। इस पर जो है डिजाइनिंग का काम हो गया, अपना जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना हुआ, नए फीचर्स लाने हुए, तो इस पर काम करना, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बड़ी इफ़िशियंट लैंग्वेज है। अब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी ना सीखे कंप्यूटर में, अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई लैंग्वेज ना सीखे, लेकिन अगर वो सी सीखता है तो इसका मतलब है वो प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। डायरेक्ट अगर आप कोई पाइथन या जावा, हाँ आप सीख तो जाएंगे लेकिन आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं समझ में आएंगी कि कैसे हम पहले के समय में प्रॉब्लम सॉल्व करते थे खुद ही कोड लिख के, और आज उसके लिए एक हमें फंक्शन मिल जाता है और उससे हम काम कर लेते हैं। तो अगर आपको जो है प्रोग्रामिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना चाहते हैं, इसकी जटिलता को समझना चाहते हैं, तो मैं एक हिसाब से ये रिकमेंड करूँगा कि आप सी लैंग्वेज जरूर पढ़ें।
चाहे जो लैंग्वेज सीखना चाहे, लेकिन सबसे पहले कुछ नहीं तो आप जो है सी लैंग्वेज में बेसिक ही कर लें, देन आप आगे कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। अगर सी लैंग्वेज में आप मास्टर भी करना चाहते हैं तो आराम से करिए। सी लैंग्वेज में जो है अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको खासी सैलरी मिलती है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपये आप जो है मंथली यहाँ अर्न कर सकते हैं। ये जो है एक्सटेंडेबल लैंग्वेज है, इसकी स्पीड ऑफ एफिशिएंसी बहुत ही गजब की होती है। गिटहब, टेलीग्राम, मैसेंजर, मास्टर कार्ड ऐसी टॉप कंपनियाँ जो है सी लैंग्वेज को यूज करते हैं। बात करते हैं स्विफ्ट की। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया, तो जाहिर सी बात है अगर एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है तो ये iOS, watchOS, macOS जैसे एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये हाई परफॉर्मेंस और सिक्योर एप्लीकेशंस को डेवलप करने में हेल्प करती है। आज के समय में इनका ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं है, बट आने वाले समय में ये भी टॉप लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएगा, क्योंकि इनके फीचर्स जो हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन, इनके जो कोड्स हैं बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं, परफॉर्मेंस भी इनकी अच्छी है, और इनमें जो यूज करते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्विफ्ट को वो हैं एप्पल, इंस्टाग्राम, ऊबर और स्लेक। अब हमारे आज का लास्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है सी हैश। सी हैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज .NET फ्रेमवर्क पर यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 34% मोबाइल गेम्स बनाने में यूज की जाती है। आज के समय में जितने भी मोबाइल गेम्स डेवलप हो रहे हैं उनमें 34% जो गेम्स हैं वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं। अब इनके फीचर्स क्या क्या हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये .NET लाइब्रेरीज के साथ इंटीग्रेट होता है। दूसरी चीज़ ये सिंपल और जो है लर्न करने में आसानी होती है। माइक्रोसॉफ्ट स्टैक ओवरफ्लो, एसेंचर, अलीबाबा ट्रेवल्स इनका यूज आज के समय में कर, अभी तक जितने भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए अभी तक आपने जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी उन्हें मैंने सब में अधिकतर यही बताया है कि वो सिंपल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। तो भाई ये कैसे जो है सब कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही टफ होती है, सारे लैंग्वेज के बारे में तो जो है हर जगह लिखा है कि ये सिंपल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। पाइथन वाले भी बोलेंगे बहुत ही आसान है, सी बोलेंगे अरे ये तो हलवा है इसको तो पढ़ ही लेंगे। तो बात आखिर बात क्या है, बात कुछ नहीं है। अगर आप उस फील्ड में उतर रहे हैं, आप अपना 100% वहाँ देते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए हर एक लैंग्वेज आसान है, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो सी हैश हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, और चाहे वो स्विफ्ट हो, चाहे वो गो, चाहे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे PHP, HTML या JavaScript हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो नए वीडियोज हैं आपको बिल्कुल मिले। दूसरी बात, सब्सक्राइबर्स आप जो है बढ़वा सकते हैं दूसरे डिवाइसेस से भी। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय।